चौक की रिमॉडलिंग के बाइस ट्रैफिक इंतजामात। सीटीओ लाहौर का ट्रैफिक के लिए मुतबादल रास्तों का दौरा। डॉक्टर असद मलिक की शहरियों की सेफ्टी के लिए मजीद बेहतरीन इकदामात की हिदायत। मजीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर बताइएगा। डॉक्टर असद मलिक ने कलमा अंडर पास का जो है विजिट किया है और ट्रैफिक इंतजाम का जायजा लिया है। डीएसपी गुलबर्ग राजपूत, डीएसपी मैराथन के साथ मौजूद थे। सिटी लाहौर ने अंडर पास की उम्मीद के दौरान मतबादल रस्मों का जो है वो विजिट किया है। प्रिंसिपल ऑफिस गुलबर्ग ने ट्रैफिक इंतजाम के बारे में सिटी को जो है वो ब्रीफिंग दी है। सिटी लाहौर ने शहरी को सेफ्टी के लिए मजीद बेहतरीन इंतजाम की जो है वो हदायत की है। सिटी लाहौर का कहना है कि मुनासिब साइन बोर्ड आगाही बोर्ड जो है यहाँ पर अवेजा किया जाए। सिमराती जगहों पर जो है वो मुनासिब टाइपिंग भी की जाए। सिटी लाहौर ने मजीद कहा कि रात के वक्त मिट्टी से जो रिफ्लेक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि जो ट्रैफिक हादसा हैं उनसे जो है वो बचा जा सके। रोज मार्केट से बरासा सेंटर पॉइंट लिबर्टी जाने वाले कलमा अंडर पास से यू लेकर लिबर्टी जा सकेंगे। सिटी लाहौर का मजीद कहना था कि फिरोजपुर रोड से बाएं टर्न जाना सेंटर पॉइंट बंद कर दिया गया है और इस वाले से जो दीगर मतवाजे रस्ते हैं वो खोले गए हैं ताकि शहरियों को किसी किस्म की जो मुश्किल है उसका सामना ना करना पड़े। जी मुदस्सिर ये भी बताएगा कि मुतबादल रास्तों पर ट्रैफिक वार्डन्स की तायुनाती के हवाले से क्या ऑर्डर जारी किए गए हैं। बिल्कुल, वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक वार्डन भी तैनात किए जाएंगे और साइन बोर्ड जो है वो भी लगाए जाएंगे और मुनासिब जो पाइपिंग की जाएगी और उसकी डायरेक्शन भी जो है वो भी लगाई जाएगी ताकि शहरी को मुश्किल का सामना न करना पड़े। लेकिन जगह पर भी तमीराती काम होता है वहाँ पर जो है सारी मतबादल रस्ते करने के बावजूद मतबादल इंतजाम करने के बावजूद है वो ट्रैफिक का रश रहता है और शहरी को जो है वो शरीर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से सीटू लाहौर ने जब खुद वहाँ पर विजिट किया है और मतबादल रस्ते खुद अपनी निगरानी में जो है बनाने की हदायत जारी की है ताकि शहरी को किसी किस्म की जो मुश्किल है उसका सामना ना करना पड़े। दूसरे वाले से सीटू लाहौर का ये कहना है कि वहाँ पर जो जाप्त पैटर्न है वो भी तैनात किए जाएंगे और मुख्तलिफ शिफ्टों में तैनात किए जाएंगे और इस हवाले से वहाँ पर साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे और साइन बोर्ड के हवाले से उन्होंने जो डीएसपी है उनको जो है हदायत भी जारी कर दी गई है। तो ऐसा एक दो रोज में वहाँ पर पाइपिंग भी जो है वो नहीं कर दी जाएगी और साइन बोर्ड भी और गाड़ी बोर्ड भी वहाँ पर अवेजा कर दिए जाएंगे ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है कलमा चौक में वो बरकरार रहे और शहरियों को किसी किस्म की मुश्किल है उनका सामना ना करना पड़े। जी शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए।